गाइस मैं आरामा और आज मैं आपको बताऊंगी इस छोटे रोल से फॉइल रोल से हम कैसे ब्रश होल्डर बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या क्या चाहिए हमें ब्रश होल्डर को? पहले फॉइल रोल का प्लेट करता फॉइल रोल का रोल एंड चार्ट पेपर, ग्लू गन, बॉटल, सीजर, स्केल, पेंसिल एंड टेप। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इसको ऐसे बॉटल को ऐसे काटने के बाद इसके अंदर ऐसे प्लेस ऐसे रख देना है, ऐसा करके ग्लू गन से चिपका लेना। अभी हम ग्लू गन से चिपका देते हैं, ठीक है। पहले ग्लू गन को हीट कर लेते हैं। इस बॉटल का जो ये है इसको मैंने थोड़ा छोटा काट लिया है, मतलब आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि मेरा जो है अब इसके अंदर फिट लूज हो रहा है। पर भी हम कुछ करके ऐसे ऐसे ग्लू गन से थोड़ा मोटा करके हम ऐसे चिपका देंगे अच्छे से। तो तब तक हम इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। या पहले हम इसको लेंथ देख लेते हैं, इसका लेंथ कितना चाहिए। तो लाइक हम इसको अगर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से हमें यहाँ तक लेना चाहिए, मतलब हम लेंथ लेंगे यहाँ तक। अभी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं यहाँ तक हमें चाहिए। चलो पहले मार्क, इसको मैंने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर काट, इसको हम काट लेंगे। चलो काट लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको काट लिया है तो यहाँ पर हम कार्डबोर्ड से हम यहाँ पर चिपका देंगे। चलो चिपका कर लाते हैं। आप देख सकते हो मैंने इतना काट लिया है क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर अभी इनको ऐसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करके ये पूरा राउंड हम काट लेंगे। चलो पेस्ट करके लाते हैं। पेस्ट कर लाते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे राउंड काट लिया है। इसको हम पहले चार्ट पेपर से कवर कर देंगे। पहले हम चार्ट पेपर से कवर करते हैं तो कर देंगे। तो हमने अभी लाइक ऐसे हमने इसको पेस्ट कर लिया है टेप से। आप चाहो तो अच्छे से कट करके भी लगा सकते हो। अभी मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिया है। अभी हम ग्लू से इसको चिपकाएंगे। चलो चिपकाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अच्छे से चिपका लिया है, देख लो। अभी हम इस पूरे पाइप को अच्छे से, इस पूरे रोल को इस चार्ट पेपर से, आपकी मर्ज़ी आप कोई भी चार्ट पेपर लगा सकते हैं, चाहे येलो पिंक ग्रीन ब्लू वाइट, कोई सा भी चार्ट पेपर लगा सकते हैं। अभी मेरे पास ये सिर्फ ये यही है इसलिए मैं इससे ही कर रही हूँ। तो चलिए लगा कर आते हैं, लगा कर आते हैं। चलिए अभी लगा कर आती हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से रैप कर लिया है, बट जो है यहाँ पर ज़्यादा बच चुका है तो हम यहाँ पर इसको काटेंगे। चलो काटते हैं।
आप देख सकते हो हमने काट के जितना भी बचा था उसको हमने टेप से चिपका लिया अच्छे से। अब देखिए अभी हमारा ग्लू गन भी गर्म हो गया होगा तो हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो मैं लेके आती हूँ ग्लू गन, ठीक है। तो ग्लू गन लेने गई थी तो मैं उधर ग्लू गन का मैंने स्विच ऑन किया पर नीचे का जो बटन था वो ऑन करना भूल गई, तो अभी वो हो रहा है हीट, तो इसलिए हीट नहीं हो पाया वो। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा काटना, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी कि पहले मैंने काटा था तो बहुत बड़ा उस पर अंदर फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इतना काट लेती हूँ। इतना काटने के बाद पता चला कि अंदर से पूरा होल के अंदर ही जा रहा है, तो आप थोड़ा इससे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके पास टेप कलर टेप हो तो आप यहाँ से और यहाँ से कहीं पर आपकी मर्ज़ी आप कितना भी डेकोरेट कर सकते हो उसको। मैं अभी आपको टेप ला कर दिखाती हूँ कौन से टेप। आप देख सकते हो ऐसे टेप से या आपकी मर्ज़ी आप जैसे भी टेप्स ला कर आप चिपका सकते हो। अभी मैं चिपकाऊँगी इसे। ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हो जैसे मैंने किया है इसको डेकोरेट। आप चाहो तो अगर आपको ये बनाना नहीं है ब्रश होल्डर अगर नहीं बनाना है तो आप इसको आसानी से लाइक पेंसिल होल्डर भी बना सकते हो, या इसके अंदर फ्लावर्स रख के फ्लावर वॉज भी बना सकते हो, आपकी विश है। बस ये बन गया। अभी वो हीट हो रहा है, थोड़ा और हीट होने के बाद हम चिपका देंगे।
एक बार देख के आती हूँ वो हीट हुआ है, वो हीट हो चुका है तो मैं अभी चिपका कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसको मैंने चिपका लिया है, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, बाद में इसके अंदर ब्रशेस डालकर देखते हैं इसके काम आएगा या नहीं, कुछ देर के बाद देखते हैं। आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से चिपक चुका है, तो एक बार डाल कर देखते हैं। आप चाहो तो इसमें पेंसिल भी डाल सकते हो, स्केच भी डाल सकते हो, एकदम फिट आ चुका है इसके अंदर। देख सकते हो ये हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए बहुत छोटी जगह पर ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको अगर वो छोटी सी जगह में इतनी छोटी जगह में अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, इतनी छोटी जगह में कोई चीज़ आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए नीचे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।